ये मैं आपको बिशारतगंज की तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये वायरिंग देखिएगा, मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये पूरी तरीके से निसोई तक कंप्लीट हो चुकी है। निसोई से और आंवला के बीच का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। मार्च एंड तक ये लाइन इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने का इरादा है इन लोगों का। देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोग निसोई की तरफ चल रहे हैं बिशारतगंज से। कंटिन्यू वायर डल चुका है, निसोई तक पूरा हो चुका है। निसोई से थोड़ी सी डिस्टेंस है आंवला की, आंवला स्टेशन तक पूरा था, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने इनका केबिन बना हुआ है और कुछ ही दूरी पर आगे निसोई है, वहाँ तक वायरिंग पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। देखिए आपको सामने ये केबिन दिखाई दे रहा होगा और ये वायर पूरा कंप्लीट है। आंवला से चंदौसी तक पूरा हो चुका था काम और आंवला से बरेली तक का बाकी था। अभी बिशारतगंज तक बिल्कुल अपडेट हो चुका है। बिशारतगंज से बरेली के बीच का अभी बचा हुआ है, पोल्स वगैरह लग चुके हैं और रामगंगा के ब्रिज के ऊपर काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कामाख्या एक्सप्रेस पास हुई थी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ये बरेली चंदौसी वाला सिंगल ट्रैक है, आई थिंक यहाँ पे क्रॉस है इसलिए वो ट्रेन खड़ी हो गई है। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेन आगे आए, बट क्रॉस की वजह से खड़ी हुई है। आई थिंक इस टाइम पे ऊना हिमाचल आ रही होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद में, जब ट्रेन यहाँ से पास होगी। ये ट्रेन चल रही है बिशारतगंज की तरफ से, क्रॉस नहीं है यहाँ पे।
देखिएगा सामने ट्रेन आ रही है। मैं पटरी से साइड पे हट गया हूँ।